हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल है ना अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ एक नया शो जिसका नाम है रैग्नोरेक। तो ये शो काफी इंटरेस्टिंग मुझे साउंड कर रहा था, इसलिए मैं इस शो को देखा, क्योंकि इस शो में जो चीज बताई है वो चीज मुझे पर्सनली अच्छी लगी। लेकिन मैं आपको इस शो की कहानी बताने से पहले नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में बताऊंगा, साथ साथ रैग्नोरेक के टाइटल का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा, और ओडिन और थॉर और लोकी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जो कि आप जब ये सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि ये सीरीज मार्वल्स की नहीं है, ना ही ये मार्वल के थॉर ओडिन और लोकी से कुछ लेना देना है, तो बस वो तो, लेकिन वो तो मार्वल के एक फिक्शनल कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रियल नॉर्स माइथोलॉजी और उनके गॉड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बेसिकली व्हाट इज नॉर्स माइथोलॉजी? तो देखिए, नॉर्स माइथोलॉजी एक तरीके का आप रिलीजन कह सकते हो, जो कि फॉलो किया जाता है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्रीज में। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में आप सनातन धर्म या तो फिर हिंदुइज्म को जानते हो। तो हिंदुइज्म किस तरीके से मैनकाइंड और अर्थ कैसे बने, वैसे कुछ रिलेशन आप नॉर्स माइथोलॉजी का भी कर सकते हो। खैर, अब मैं आपको बताऊंगा ओडिन, थॉर और लोकी कौन थे। तो भाई, नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से ओडिन थे किंग ऑफ गॉड, और थोर की बात करें तो थोर थे गॉड ऑफ थंडर, और लोकी की बात करें तो वो थे गॉड ऑफ मिस्चीफ। तो देखो, ओडिन के बेटे हैं थोर, लेकिन थोर का भाई लोकी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मार्वल मूवीज में आपको ऐसा बताते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग भाई नहीं थे। लोकी एक गॉड है, जो कि उनको कहा जाता है गॉड ऑफ मिस्चीफ, यानी कि वो कभी कभी गॉड्स के साथ भी रहते थे, यानी कि कभी कभी वो कुछ भी बैटल्स में गॉड लोग को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें, ऐसी कुछ गलतियां करते, ऐसे कुछ प्रैंक्स करते थे, जिसकी वजह से उनको गॉड ऑफ मिस्चीफ के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सीरीज का जो टाइटल है रैग्नोरेक, उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली रैग्नोरेक का मतलब आप लोग कह सकते हैं कि दुनिया का अंत, या तो फिर कयामत, या तो फिर तबाही। और रैग्नोरेक एक ऐसी बैटल ऑफ सीरीज थी जहां पर जो गॉड्स थे वो आपस में लड़े थे, और उसमें से काफी गॉड्स मारे गए थे, और कुछ गॉड्स जो बच गए थे वो लोग वापस से फिर दुनिया को बसाएंगे। तो देखा जाए तो रैग्नोरेक एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी। अगर आप रैग्नोरेक के बारे में, बैटल ऑफ रैग्नोरेक के बारे में जितना पढ़ोगे ना, तो उतना ज्यादा उतनी ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको मालूम पड़ेगी। खैर, अब हम लोग बात करेंगे इस सीरीज की। तो देखिए, इस सीरीज की शुरुआत होती है नॉर्वे से, जहाँ का एक टाउन होता है जिसका नाम होता है एडा। उस टाउन में मैग्ने और उसकी मॉम और उसका भाई रहने के लिए आते, तभी रास्ते में उनके उनकी कार के सामने एक बूढ़े अंकल आए थे। उस अंकल की हेल्प करने के लिए मैग्ने अपनी कार से उतरता है, कार से उतरने के बाद उस अंकल की वो हेल्प करता है, तभी वहां पर एक और ओल्ड लेडी आ जाती है। वो मैग्ना की इस चीज को देखकर बहुत खुश होती है, और वो मैग्ना के सर पे, माथे पे इस तरीके से हाथ लगाती है। हाथ लगाने के बाद मैग्ना की आंखों में कुछ लाइट जैसी चमकती है, उसके बाद मैग्ना को खुद ही नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हुआ। खैर, कहानी आगे बढ़ती, कहानी आगे बढ़ने के बाद मैग्ना अब स्कूल में जाता है अपने भाई के साथ, वहां पर उसकी मुलाकात दूसरे और कैरेक्टर से होती है। लेकिन एक कैरेक्टर जो मैग्ना का वहां पे दोस्त बन जाती है, जिसका नाम होता है आइसोल्डा। आइसोल्डा से वो दोस्ती करके इतना ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वो क्यों नहीं थे, वो आप ये सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैग्ना को पता चलता है कि उसके अंदर कुछ सर्टेन एबिलिटीज आ गई, यानी कि उसकी जो आंखों की रोशनी वो सडनली ज्यादा तेज हो गई है, अब उसको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा उसमें काफी स्ट्रेंथ आ गई है, और एक इम्पोर्टेंट चीज, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्लेज हैमर या फिर आप हथौड़ा कह सकते हो, उसको वो 1.5 किलोमीटर दूर फेंकता है। यानी जैसे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से वो तकरीबन फेंकता है तो वो 1.5 किलोमीटर दूर जाके गिरता है। अगर आप लोग हथौड़ा उठा के फेंकोगे तो कितना, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, कितनी दूर आप लोग फेंक सकते हो, या 100 मीटर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि उसका हैमर फेंकने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 100 मीटर के अंदर ही है। तो आप लोग अब मुझे बताना कि आप लोग स्लेज हैमर या हथौड़ा अगर आप लोग फेंकोगे तो कितनी दूर जाएगा। खैर, ये सब एबिलिटीज मैग्ना में आ जाती है। अब इसके बाद इस एबिलिटीज के आने की वजह क्या है, और इसके पीछे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स इस सीरीज में आपको बताया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ इस सीरीज के विलन्स की। तो देखिए, इसमें आपको एक दो विलन्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक फैमिली एज ए विलन्स नजर आएगी, और वो भी कुछ सुपर एबिलिटीज वाले। अब वो क्या है, वो सब कुछ आप इस सीरीज में जरूर देखना। अब मैं बात करता हूँ इस सीरीज की, ये सीरीज मुझे कैसा लगा। तो देखिए, इस सीरीज की बात करते, सीरीज की शुरुआत काफी स्लोली होती है, और इसकी जो इंटरेस्ट आपको फील होगा ना, वो सेकंड एपिसोड के एंड से शुरू होगा और फिर लास्ट तक बना रहेगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट और सेकंड एपिसोड इसके लिए सरवाइव करना पड़ेगा, जो कि पर्सनली मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे फर्स्ट एपिसोड जैसे आगे बढ़ा तो मैं कुछ ऐसा कर रहा था, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, फिर थोड़ी देर देख रहा था, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तो ऐसे कंट्रोल करते 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 जब सेकंड एपिसोड आया, तब जाके थोड़ा जान में जाना ही। हालांकि फर्स्ट एपिसोड के एंड में थोड़ा सा मैं बूस्ट हो गया था,
मुझे लगा कि हाँ यार फर्स्ट एपिसोड में लोगों ने ये बता दिए, लेकिन फिर उसके आगे फिर वापस स्लो हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जैसे कहानी आगे बढ़ते गई, प्रोग्रेस होते गया, थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड होते गया और जो कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से देखने मिले, तो मुझे जरा भी शिकायत नहीं इस सीरीज से, क्योंकि ये एक मिनी सीरीज है। इस सीरीज की लेंथ जैसे कि मैं आपको बताया 39 मिनट से लेके 48 मिनट के लगभग 6 ही एपिसोड है, तो वो एपिसोड कहाँ जाते हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलता अगर आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट दो एपिसोड को बर्दाश्त कर लिए तो। और परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस लाजवाब है, शानदार है, कुल मिला के इसके VFX भी अच्छे हैं, तो यार ये शो वॉचेबल है अगर आप लोग उसको देखना चाहो तो। फिलहाल तो ये शो सिर्फ इंग्लिश में मौजूद है, लेकिन शायद आने वाले कल में आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाए। तो बस इस वीडियो में इतने, हाँ जाते थे बता दूं कि सीजन वन में लगभग जो कहानी है वो कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि सीजन टू में हमें इन कैरेक्टर के साथ और भी कुछ डिटेल में बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो इसकी कहानी है वो नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड है, तो इससे रिलेटेड वो और भी कुछ इस सीरीज में बता सकते हैं, वो तो अब मेकर्स का इस सीजन के चलने के बाद ही होगा। फिलहाल तो बस मैं आपसे इतना बोलूंगा अगर आप लोग ये सीरीज देखने आते हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे जरूर मिल जाएगी, और ये इंग्लिश में मिलेगी, इंग्लिश हिंदी में नहीं मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख, बाय।